पाकिस्तानी कॉलोनी के दोस्तों, बाहर ही मैं तालाब पे खड़ा हूँ और आप देख रहे हैं बहुत सारे इस प्रकार से बच्चे जो है वो तालाब में नहाने लग रहे हैं। इसी तालाब के अंदर महिलाएं, पुरुष वगैरह सब इधर ही नहाते हैं। इधर ये बच्चे और महिलाओं के लिए नहाने का है और सामने जो घाट दिख रहा है वहाँ पे पुरुष नहाते हैं ना, तो काफ़ी तैराक है बच्चे इधर बहुत ज़्यादा मैं देखने लग रहा हूँ और काफ़ी गंदा पानी देखने लग रहे हैं, लेकिन इसी में नहा रहे हैं, क्या ही करें। इसमें गटर का पानी वगैरह, नाले का इतना बदबू भी मार रहा है, फिर भी ये जो बच्चे हैं वो देखिए इस प्रकार से नहा रहे हैं, तो तालाब में इस प्रकार से नहाते हैं। लेकिन और रे भाई साहब देखो, हाँ यात्रा गुरु जी, एक ऐसे गोता लगाओ। हाँ तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं, यहाँ पे लड़कियाँ ही बड़ी टैलेंटेड हैं, बड़ी छोटी छोटी लड़कियाँ स्विमिंग करने लग रही है। देखो ये देखिए, ये देखिए छोटी छोटी बच्चियाँ जो है वो इस प्रकार से देखिए, बड़ी मतलब टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड बच्चे। देखो ये देखो, ये गोता खतरनाक लगा रहे हैं इधर। देखो यहाँ पर मैं घर काफी छोटे छोटे देखने लग रहा हूँ। एक घर के अंदर कम से कम 7-7, 8-8, 10-10 जने एक ही कमरे में रह रहे हैं। मम्मी पापा बहू बेटी सब एक साथ ही रह रहे हैं, वो काफी मुश्किल है, लेकिन है छोटे घर, लेकिन उन्हीं को ही इतना डेकोर करके रखा है कि क्या ही बताएं। मतलब अंदर से इतने सुंदर सुंदर कमरे बनाए हुए हैं, तो मतलब इन छोटी छोटी जगहों पे भी लोग कुछ खुशियां यहाँ पर ढूंढ पाते हैं कि भाई अपना तो जो आशियाना है वो यही है, तो इसी को ही सजा के रखें, क्यों ना हम इसी के अंदर पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। और यह इस प्रकार से देख सकते हैं, ये गलियां हैं और ऊपर से आप देखिए ये लकड़ियां वगैरह रखी हुई है, सूख रही है लकड़ियां ताकि इनको जलाने के लिए काम आए। और आगे इस प्रकार की ये गलियां हैं, ये चौबारे हैं, ये भाई पाकिस्तानी जो है वो कॉलोनी के ये गलियां, ये चौबारा ये इस प्रकार से, और यहाँ पे भी ये पानी आने लग रहा है यहाँ पर। हाँ ये अरे ये मर जाएगा आराम से आराम से। ये क्या है? जम्बूरा। जम्बूरा ये हमारा। अच्छा इसको ये बोलते हैं जम्बूरा। और ये क्या है? आमला। आमरा। अच्छा ये फ्रूट है यहाँ का कुछ लोकल, पता नहीं नाम कुछ अलग ही है। नमस्ते, इंडिया इंडिया से आया हूँ घूमने के लिए, काफी थोड़ा घूमने के लिए आए, काफी मुश्किल हालात है। हेलो हेलो बाबू, ये देखो एक छोटा सा क्यूट सा, क्या नाम इसका? आयान। आयात। अच्छा तो अब इसका बचपन किसी कितनी परिस्थितियों, विकट परिस्थितियों में इसका बचपन है, अब क्या ही करें। आपका जन्म इधर ही गई है? इधर का है ना। इंडिया आए कभी? नहीं, कभी नहीं आए। इंडिया जाने का मन नहीं होता? ऐसा मन होता कि इंडिया घूमने जाएं? हाँ, मन होता है, मेरे फुफू लोग भी नहीं। अच्छा उधर रहते हैं? नहीं जाती नहीं, घूर के आती नहीं, व्यवसाय करती नहीं इंडिया से। अच्छा तो आपका इधर ही ससुराल है? अच्छा तो आपके मम्मी पापा का घर? मम्मी पापा का घर पड़ेगा अलग कैंप है, इसी कैंप में है, अलग कैंप है, इसी कैंप में। अच्छा तो यहाँ पे मतलब एक ही कैंप में शादी हो जाती है क्या यहाँ पे? हाँ, उसी कैंप में शादी? नहीं नहीं, तो मीरपुर है। मीरपुर होता है, अच्छा। में भी इलाका में होता है। हाँ बहुत सामने, बगल में भी होता है। बगल में भी होता है ना, कैंप में। इतनी गर्मी में रहना काफी मुश्किल। ये दुकान है क्या? नहीं नहीं, तो ये इसलिए जो शटर था मैंने देखा तो मैंने सोचा ये दुकान है, ऐसे खेस रखा। तो बच्चे लोग पढ़ते भी हैं? गुड़िया आप पढ़ते बेटा? जाते हो स्कूल? नहीं जाते, छोड़ दी? अच्छा ये क्या बना, ये क्या बना रहे हो? थोड़ा दिखाना जरा। ये बना रहे हैं टोपी, छोटे बाबू के लिए टोपी क्या? टोपी, स्वेटर, सामान रख के ढकने के लिए। कुल मिला के पहनने के लिए कपड़ा है मतलब? ढकने के लिए। अच्छा ढकने के लिए। हाँ वो छाबड़ी के ऊपर जैसे रखते हैं वैसे ना। हाँ एक तरह का कपड़ा तैयार हो रहा है ढकने के लिए। तो और आप कौन कौन सी चीजें बना लेते? सिर्फ ये कपड़ा या टोपी वगैरह सब कुछ? टोपी भी बनता है, टोपी, गंजी, गंजी वगैरह सब है ना। हाँ ये काफी पुराना कल्चर है हाथों से बनाने वाला, आज भी इस प्रकार से बनाते हैं लोग, इंडिया में भी बहुत सारे बनाते हैं हमारे। हाँ तो ये ऐसे बना के बेचते हो क्या? बाहर बिकता है क्या? हाँ बिकता है। बिकता भी है? कितना पैसा मिलता है आपको? 200, 150, 600 जैसा। अच्छा जैसा मतलब कारीगरी के ऊपर है, जितना अच्छा बनाएगा वो उस हिसाब से पैसा मिलेगा। अच्छा तो ये आपकी लड़की है? आपके मतलब समझा नहीं,
भगनी। अच्छा ननंद का बेटी भगनी बोलते हैं ना। हाँ सही, थोड़ी भाषा का दिक्कत है, थोड़ा वो समझ नहीं आता है। सही, नहीं नहीं ठंडा पिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा घूम लेते हैं, गर्मी बहुत है। तो दादी जी आप आए नहीं इंडिया कभी उधर? अजमेर नाम सुना, मोहम्मद शरीफ? हाँ, मेरा घर उधर ही है। अच्छा, हम लोग तो गए, पता नहीं है। अच्छा, मेरा घर उधर राजस्थान से, जब अल्लाह ताला ले जाएंगे तो पहचान हो जाएगा। खैर, आपका नसीब अच्छा है कि आप हम लोग को आके देखे, हम आपको देखे। हाँ, सही सही। कब आएंगे? अभी हमको यहाँ 2 दिन हुए हैं, इधर थोड़ा घूम रहे हैं। रहना है किसी के आए है ना घूरी? नहीं नहीं, ऐसे घूमने आए, यहाँ हमारा रिश्तेदार कोई नहीं है। हम लोग ये तो इसीलिए आए हैं, अपना है तभी तो हम अपना जान के आए। हम उधर ढाका में बोर्डिंग में होटल वगैरह नहीं 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 आपने आपने पूछ लिया, इतने बहुत पिया था, अभी पानी पी लिया मैंने। आइए उधर भी घूमिए। हाँ थोड़ा देखते हैं। देखिएगा मला टूटा लगने, क्या हुआ मला टूटा लगने का देखिएगा, यही तो बहुत है। पूरा गरीब गरीबी काफी है यहाँ पे। नमस्ते सर। ये यहाँ पे चाचा कुछ बना रहे हैं इस प्रकार से, ये है, ये अमरूद वगैरह है इनका, कुछ ऐसे स्पेशल कुछ चटनी वगैरह बना रहे हैं, मतलब स्पेशल ये खाने के लिए। 10%? अच्छा 10%, 20% लगता है ना ऐसा, मतलब ठीक है। और इधर भी ये बहुत सारे घर हैं, गलियां हैं, ये बने हुए हैं, काफी लोग हैं उधर। वो तालाब किधर है? वो उधर रह गया ना। बहुत ज्यादा गर्मी है, पसीने से मैं भीगने लग रहा हूँ पूरा, और अब तो पूरी टी शर्ट पूरी गीली हो चुकी है, और पता नहीं कहाँ कहाँ से पसीना उतरा है भाई, अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अब आगे चलते हैं, थोड़ा स्कूल देखते हैं, यहाँ का और रहन सहन देखते हैं। बच्चे बहुत ज्यादा, यार कितना ही मना कर रहा हूँ पीछे मत आओ पीछे मत आओ, लेकिन इतने एक्साइटेड है कि बहुत ज्यादा पीछे पीछे आने लग रहे हैं। और यहाँ थोड़ी हवा आ रही है, एक यहाँ पर नीम का पेड़ भी है ऊपर। बांग्लादेश में सबसे बड़ा मस्जिद है ये, बांग्लादेश में ऐसा मस्जिद है। यहाँ पे गली में जो दोस्तों हम चलने लग रहे हैं, काफी सारे बच्चे हैं, और बाबूजी बताने लग रहे हैं काफी सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनके माँ बाप भी नहीं है, अनाथ बच्चे भी हैं इस मोहल्ले में, तो काफी ऐसे भी देखने को मिले कि कमजोर है काफी, और ये इस प्रकार से ये गली है। थोड़ा सा यहाँ का आपको अंदर से घर में आपको दिखाता हूँ, देखिए किस प्रकार से बारिश अभी यहाँ पर हुई है, तो बारिश की वजह से अंदर ये देखिए गीला हो गया है आंगन वगैरह, और अंदर से पूरा आप आराम से इसको अवलोकन कर सकते हैं। ये देखिए ये यहाँ का रहन सहन है, यहाँ की ये टिन सेट और झुग्गी झोंपड़ियों के अंदर इस प्रकार से ये लोग रह रहे हैं। तो भाई ये पाकिस्तानी कॉलोनी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इनकी किस प्रकार से ज़िंदगी है, और यहाँ पर भी कुछ स्टोर रूम बना के इस प्रकार से टिन सेट से बनाया है, आगे स्नान घर भी इस प्रकार से बनाया है, तो ये भी काफ़ी मुश्किल हालात भाई यहाँ पर हैं। थोड़ा सा मोहल्ले के अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से बहुत सारी भीड़ जो है वो मेरे पीछे आने लग रही है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से लोग काफी एक्साइटेड है कि इंडिया से कोई भाई आया है हमारे यहाँ पर इस प्रकार से देखने के लिए। और थोड़ा सा ये इस प्रकार से आप अंदर से थोड़ा मैं आपको घर दिखाता हूँ, यहाँ के छोटे छोटे बहुत ज्यादा घर यहाँ पर हम देखने लग रहे हैं, ये इस प्रकार से आप देखिए, एक बच्चा जो है वो बेड पे इस प्रकार से सो रहा है, एक बैठा है, ये चीजें हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर
मैं देखने लग रहा हूँ यहाँ पे भी, ये देखिए बहुत सारे इस प्रकार से पूरे ये ऐसे ही घर बने हुए हैं गलियों के अंदर। हाँ जी जी, और यहाँ इसका गेट देखिए, यहाँ पे तो अंदर घुस ही नहीं पाएंगे बिल्कुल, इतना छोटा ये देखिए बिल्कुल, इसकी हाइट काफी छोटी है, मतलब है ना, और झुक के इस प्रकार से अंदर यहाँ पे जाना होता है यहाँ यही पे, और ये बस इतना सा ही ये घर बना हुआ है। आगे आगे गली निकाल के एक और अंदर घर के अंदर घर बनाया हुआ है जो इनके परिवार के हैं, तो जगह का डाइवर्सन करके इस प्रकार से, और पूरा ये इस प्रकार से अंदर बनाया हुआ, ये थोड़ा पक्का बनाया हुआ है ना, अब जिनके पास पैसे हैं वो पक्के बना रहे हैं। हाँ सही, ये देखिए यहाँ पर ये पक्का निर्माण किया गया है, और इधर इधर पूरे कच्चे हैं सारे, ये देखो, और ये पूरी ये घर के अंदर घर कैसे बने हुए, अलग अलग है कि ये पूरी एक ही परिवार का है? अच्छा, मतलब भाइयों के है ना, एक भाई दूसरा भाई ऐसे, मतलब हाँ पूरा एक ही परिवार का। छोटा रूम दिया था, थोड़ा सा जगह बड़ा बड़ा के रूम थोड़ा बड़ा लिया। अच्छा, पहले जो रूम दिया एक परिवार नहीं रह सकता। सही 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 से नहीं रह सकता, माँ बाप भाई बहन बीवी वाले बच्चे लेके एक रूम में नहीं रह सकता। हाँ, बहुत तकलीफ कर रहता है। और अभी तो गर्मी में तो हालत पूरी खराब है पूरी, क्योंकि ऊपर ये छत जो है वो हम देखने लग रहे हैं टिन सेट की है, तो काफी गर्म है ये टिन सेट ऊपर से बहुत ज्यादा है भाई साहब, इसके ऊपर चाय भले रोटी भी सेक सकते हैं, इतना गर्म हो गया ये। हाँ, और अंदर से ये इस प्रकार का कुछ माहौल है, ये रसोई है, अंदर सोने के लिए है, और घर के अंदर घर इस प्रकार से। देखिए लंबी पोल आपको नजर आ रही होगी, ये लंबी पोल है, ये एक घर बीच में दूसरा घर फिर तीसरा घर फिर चौथा घर, ये इस प्रकार से लंबा एक पूरा पोल नुमा, ये एक ही परिवार के, एक भाई दूसरा भाई तीसरा भाई ऐसे, और बीच में गेट लगा रखे हैं, तो लॉक भी लगा सकते हैं, और इनका कोई भाई पर्सनल भी टॉयलेट बनाया हुआ है स्नानघर, और बाकी तो जिनके पास नहीं वो सार्वजनिक भी बनाते हैं, तो काफी आप देख सकते हो बहुत ही हालत खराब है यहाँ पर। ये भाई यहाँ पर हम जीवन देख रहे हैं, काफी विकट परिस्थितियां हैं इस कॉलोनी के अंदर, और इस कॉलोनी को कहते हैं भाई बाहर तो काफी नाम से कहते हैं पाकिस्तानी कॉलोनी है, मतलब ऐसा ऐसा बोलते हैं पाकिस्तानी कॉलोनी। हाँ हाँ, और ये इधर दुकान है आपको दिखाने लग रहे हैं, ये देखिए, ये भाई कुछ इस प्रकार के घर, इनमें भी रहते हैं क्या, बंद पड़े हैं? नहीं, रहते हैं ना, काम पे गए, काम पे गए, ये काम पे गए हैं, और ये देखिए पूरे बिखरे हुए घर पड़े हैं, अंदर काम भी कर रहे हैं लोग, और यहाँ पे ये इस प्रकार से देखो खुला पड़ा है। भाई साहब इतनी गर्मी में कैसे ही रहते होंगे, अभी देखो गर्मी से निजात पाने के लिए इन्होंने टिन सेट के नीचे ही इस प्रकार से कुछ चदरे ये पेपर, हाँ पेपर लगा रखा है ताकि थोड़ा ठंडा रहे, बाकी तो हालत पूरी, ये देखिए पूरी हालत खराब है, और छोटा बच्चा से पानी गिर गया पेपर ये हो जाता है। ये देखिए पूरा पूरे पसीने की तो पूरी लाइन लाइन लग रही है, ये देखो